दोस्तों बीसीसीआई ने बुधवार 8 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के लिए टीम के ऐलान के साथ ही रोहित शर्मा को भारत के T20 और वनडे टीम का कप्तान घोषित किया है, जबकि विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान रहेंगे और वही रोहित को टेस्ट टीम का उप कप्तान बना दिया गया है। आपको बता दें कि कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित ने विश्व कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारत का नेतृत्व किया था। हालांकि कोहली ने भारत में 2023 विश्व कप तक वनडे टीम का नेतृत्व जारी रखने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने 78 एक दिवसीय मैचों में 51 जीत के साथ भारत के पूर्णकालिक कप्तान के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। एक प्रभावशाली प्रदर्शन जिसमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल और 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में उपस्थिति शामिल थी, लेकिन ICC खिताब नहीं जीत पाए। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन अब वो उप कप्तान नहीं है तो प्लेइंग 11 में जगह मुश्किल है। वही हनुमा विहारी का साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन रहा। वही जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, KL राहुल और ऋषभ पंत टीम में वापसी कर रहे हैं, लेकिन चोट के चलते शुभमन गिल टीम से बाहर चले गए हैं। सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट शुरू करने के फैसले को एक हफ्ते पीछे धकेल दिया है। भारत अब 26 दिसंबर को सुपरस्पोर्ट पार्क में दौरे की शुरुआत करेगा और 2 और टेस्ट और 3 वनडे खेलेगा। 4 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी।